टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम रुचि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं जो नुस्खा आपके साथ ग्रे हेयर के लिए, सफ़ेद बालों के लिए शेयर करने जा रही हूँ वो बिल्कुल नया है और साथ ही ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत काला रंग देने वाला है, बालों को सफाई भी करने वाला है, बालों को प्यूरीफाई भी करेगा, स्कैल्प को हेल्दी भी करेगा। सो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, आप चाहें तो लोहे का बर्तन या कोई भी अनदर वेसल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास पानी। आधा ग्लास पानी ऐड करने के बाद आपको इसमें डेढ़ चम्मच यानी 1.5 स्पून आपको इसमें ऐड करना है चाय पत्ती का। अब आपको गैस के फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसे अच्छे तरीके से बॉयल करना है। चाय पत्ती में कॉफ़ी के जो कैफीन होता है और चाय पत्ती निकोटिनिक, ये दोनों ही भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आपके मेलानिन को बूस्टअप करने के लिए। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी भी करती है और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उन रूप में जो बाल हमारे झड़ते हैं उनको कवर करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए चाय पत्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉयलिंग स्टार्ट हो गई है, तब आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है हल्दी। तो जो हम घर में यूज़ करते हैं हल्दी, वही हल्दी आपको लेनी है और एक चम्मच हल्दी आपको ले करके इसमें ऐड कर देनी है और इसे हल्दी के साथ अच्छे से मिक्स करना है। हल्दी क्या होती है, इसमें एंटी फंगल, एंटी बायोटिक एंड एंटी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपके स्कैल्प से किसी भी तरीके के फंगस हैं, डैंड्रफ है, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। गैस के फ्लेम को यहाँ पे डाउन कर देना है यानी कि धीरे कर देना है और दोनों को अच्छे से आपको बॉयल करना है। हल्दी जो होती है वो बालों में होने वाले छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं, गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कि पसीने के साथ साथ छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी जब बढ़ती है तो बालों में खुजली बहुत होती है, इचिंग होती है, तो उनकी वजह से पपड़ी जम जाती है, उसको भी ये आपकी सतह से दूर कर देता है। तो बॉयल हमें इसे करना है तब तक कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी लेस हो जाए और हल्दी और चाय पत्ती जो है वो पानी में अच्छे से यहाँ पर मिक्सअप होकर के अपने बेनिफिट्स इस पानी में इंक्लूड कर दें। सो दोस्तों, ये अच्छे से बॉयल हो गया है, गैस के फ्लेम को यहाँ पे आपको स्विच ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसके बाद आपको इसमें दो चीज़ें और ऐड करनी है, लेकिन गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद ही ऐड करनी है। सो गाइस, आपको यहाँ पे ऐड करना है ब्लैक कॉफ़ी पाउडर, इसके अलावा आपको इसमें ऐड करना है आंवला पाउडर और इसे मिक्स कर लेना है। क्योंकि हमारा जो पानी है वो ऑलरेडी गर्म है तो आपको इसके साथ इसे बॉयल नहीं करना है, पकाना नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसे मिक्स कर लेना है ऐसे ही। और जितनी भी गर्माहट है इसमें, जितना ये पानी गर्म है उसमें अच्छे से आंवला और कॉफ़ी जो है वो मिक्सअप भी हो जाएंगे और हीट की वजह से ये बेनिफिट्स भी अपने इसी में डिसॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे स्ट्रेन कर लेना है यानी कि छान लेना है, क्योंकि हमने इसमें चाय पत्ती रॉ यूज़ की थी, खड़ी यूज़ की थी, पिसी हुई नहीं यूज़ की थी, इसलिए हम इसे छान लेंगे। बाकी जो पेस्ट बचता है आप उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके दही के साथ या फिर ऐसे ही अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे पानी को स्ट्रेन करके अलग कर लिया है, आपको इसे दो तरीके से इस्तेमाल करना है। तो मैं पानी को यहाँ पे डिवाइड कर दे रही हूँ टू पार्ट में, फर्स्ट बोल एंड सेकंड बोल। सो आपको कैसे यूज करना है टू पार्ट में, सबसे पहले आपको इसमें शैम्पू ऐड करना है यानी कि अपने बालों में अप्लाई करने के लिए पहले इसमें शैम्पू ऐड करेंगे। तो शैम्पू आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग या फिर आप जितना भी शैम्पू यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए उतना शैम्पू आपको ले करके इसमें मिक्स कर लेना है।
सो गाइज मैंने यहाँ पे 2 चम्मच क्लिनिक प्लस शैम्पू ले लिया है और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो हमारा पहला जो पैक है बालों में अप्लाई करने का वो हमें यहाँ पे रेडी हो गया। आपको शैम्पू लगाना है, 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, उसके बाद आपको वॉश कर लेना है। इसके बाद ऊपर से आप चाहें तो कंडीशनर जो भी यूज़ करते हैं आप लगा सकते हैं। इवनिंग में आपको ऑयलिंग करनी है और ऑयलिंग भी आपको इसी से करनी है। तो कैसे ऑयलिंग करनी है इसके लिए देख लीजिए। सो गाइज इसी पानी में आपको ऑयल डालना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे कैस्टर ऑयल। तो चूंकि पानी की मात्रा हमारी ज़्यादा है ही तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब कैस्टर ऑयल को ऐड करेंगे। एंड इसके साथ आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल, जिसमें कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे स्कैल्प से लेकर के हमारे ग्रे हेयर के सही करने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बालों के लिए बहुत ज़्यादा पोषण देने वाले होते हैं। सरसों का तेल हम यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा यहाँ पे ऑयलिंग वाला पैक रेडी हो गया। तो इसे आपको कैसे लगाना है, जैसे आप ऑयलिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने बालों में से लगाना है और लगा करके मसाज करके रात भर के लिए छोड़ देना है, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से शैम्पू कर लेना है। गाइस जो मैंने आपको नुस्खा शेयर किया है ये बिल्कुल यूनिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रामबाण है आपके सफ़ेद बालों के लिए, आपके झड़ते बालों के लिए और आपके कमज़ोर बालों के लिए। बाल बाउंसी रहेंगे और मजबूत रहेंगे कि यानी कि हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है तो 2 बार के लिए आप एक ही बार में इसको बना के रख लीजिए इतनी क्वांटिटी में कि ये आपका हफ्ते में 2 बार अच्छे से इस्तेमाल हो जाए। सुझाव और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस फिर से मिलते हैं एक और अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।